चल रहा है अपना टॉपिक टेंस। टेंस में भी बहुत अच्छी अच्छी और खास बातें चल रही हैं हमारी, जो भी कंटिन्यूस से रिलेटेड है। कंटिन्यूस से रिलेटेड एक बात तो ये चली थी कि आज आप नई जो बात सीखोगे वो ये सीखोगे हैव से रिलेटेड मैं बातें बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हैव की बातें सुनो। हैव क्या कहता है? हैव ये कहता है कि मेरे अर्थ होते हैं, एक तो होता रखना और एक मेरा अर्थ होता है खाना यानी कि ईट, और एक मेरा अर्थ होता है पीना यानी कि ड्रिंक, और एक मेरा अर्थ होता है लेना यानी कि टेक, और एक अर्थ होता है मेरा पाना या प्राप्त करना, इसका इंग्लिश होती है गेट। मतलब मेरी ये चार अर्थ पांच अर्थ होते हैं। अगर तुम मेरा यूज रखने के अर्थ में करते हो, किसके अर्थ में करते हो? रखने में या के पास होने में, जैसे मेरे पास कोई चीज है, के पास के अर्थ में करते हो, के पास, तो आप है ना इसमें कभी भी भूल कर भी कौन सा टेंस नहीं लगा सकते, कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप खाने पीने की बात कर रहे हो तो हो सकता है मैं परमानेंट नहीं खाता हूं, थोड़ी देर ही खाता हूं। भाई कोई जरूरत थोड़ी है कि कोई चीज है मैं परमानेंट खाऊं, कि मैं तो क्या है कि नाश्ता खाता हूं। अरे तू नाश्ता तो खाता है लेकिन कब कब खाता है? सर सुबह खाता हूं, फिर रात में फिर भी नाश्ता खाता हूं, फिर दोपहर में फिर भी नाश्ता खा लेता हूं, मैं शराब शराब को भी खा लेता हूं, दूध दूध को भी खा लेता हूं। तो ऐसे तो होगा नहीं, ये तो क्या कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे, ये कंटिन्यूअस टेंस में चल जाते हैं। लेकिन आपके हैव वाला जो पोजीशन है वो नहीं चलती। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिखाया था आप लोगों को, मैंने एक एग्जाम्पल लिखाया कि सलमान खान, क्या लिखाया था? सलमान खान इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, ये लिखा था। अब तुम इस सेंटेंस में मुझे यूं बताओ कि इसमें हैव का अर्थ है मेन वर्ब है और इज हमार सहायक क्रिया है, कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है। फैन फॉलोइंग क्या होती है? फैन फॉलोइंग प्रशंसकों की लाइन, प्रशंसक बहुत सारे प्रशंसक, फैन फॉलोइंग कहते हैं बहुत सारे, क्या मेरे दोस्त, बहुत सारे प्रशंसक। बोलो कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? अब बता जरा कि सलमान खान बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रख रहा है, तो रखने का बात आ रहा है, खाने का बात आ रहा है, पीने का, लेने का या प्राप्त करने का? सलमान खान बहुत सारे फैन फॉलोइंग को खा रहा है, पी रहा है, ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, रखता है, तो फिर आप कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं लगा सकते, भूल करके भी नहीं लगा सकते। आंसर क्या करेंगे अपन? इज हैविंग की जगह पर काट करके हैज लगाएंगे, सलमान खान सिंगुलर इसलिए हैज आ जाएगा। और अगर मैं सेंटेंस को यूं लिख देता, वी आर हैविंग डिनर नाउ, वी आर हैविंग डिनर नाउ, चलो बताओ इस सेंटेंस में क्या गलत है? सर ये सही है, क्योंकि आप डिनर को रख नहीं रहे हो, खा रहे हो। अब तो डिनर ही खाओगे, सुबह ब्रेकफास्ट खा लोगे और दोपहर होते ही लंच खा लोगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि रात में भी डिनर, समय भी डिनर, दोपहर में भी डिनर। तो डिनर क्या है? अभी खा रहे हो आप। एक जैसे मैंने कही कि why are you having wine at this time, तुम इस समय वाइन क्यों पी रहे हो? सही है या नहीं है? आप तो इतना सा बता दो, क्या मुझे यहां पर डू यू हैव करना चाहिए या नो इम्प्रूवमेंट रखना चाहिए? सर नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो इस समय शराब पी रहा है, हर बार नहीं पीता है, और जब पीने की बात आ रही है तो कंटिन्यूअस टेंस सही है, कोई गलत नहीं है, आंसर आएगा नो इम्प्रूवमेंट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो पक्का बात समझ में आ गई? कतई कंटेस्ट। अब आगे चलो, अब हैव के बाद अपन के पास कुछ क्रियाएं और हैं। एक तो है सी। सी का अर्थ क्या होता है? सी के अर्थ बेटा, अब तक तो तुमने एक ही चीज पढ़ी थी कि इसका अर्थ देखना होता है। याद रखना, देखने के अर्थ में इसमें कभी भी कंटिन्यूअस टेंस मत लगाना, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाना। आपको मिलना या जांचना, मिलना या अगर जांचना इसका अर्थ होगा तो आप कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हो। सर कैसे? समझ में नहीं आया, बताता हूं। देखो
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखना, आई एम सीइंग यू हेयर, आई एम सीइंग यू हेयर, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें यहां देख रहा हूं, तो ये गलत है सर। क्यों? क्योंकि सी में क्या नहीं लगता, आई एन जी नहीं लगता, देखने के अर्थ में। तो आप क्या करो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू, या तो इसमें क्रिया चेंज कर दो या फिर इसमें टेंस चेंज कर दो। क्या कर दो, या तो आई एम लुकिंग एट यू या फिर आई सी यू हेयर। इसमें दो ही चीज सही हो सकती है। पहला क्या सही हो सकता है, आई एम लुकिंग एट यू, दूसरा आई सी यू, बस ये दो सही हो सकते हैं। लेकिन ये एम सींग गलत है। अगर मैं तीसरा पैटर्न बात करूं एम सींग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ये गलत है सर। क्यों? क्योंकि सी में देखने के अर्थ में क्या नहीं लगता, आई एन जी नहीं लगता। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देखो, वी वी छोड़ो, डॉक्टर ले लो, द डॉक्टर इज सींग माई नर्व्स। कहने का मतलब क्या है, नर्व्स यानी क्या होती है, नाड़ी। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, मेरी नाड़ी को देख रहा है या चेक कर रहा है, जांच रहा है। तो क्या इस सींग यहां पर सही है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत हुई, बात समझ में आ गया, सी से रिलेटेड वर्ड समझ में आ गया, यस और नो, आ गया। अगली चीज देखो, बाद में उतारना एक बार। देखो अगला है लुक, क्या है अगला, बोलो बेटा क्या है अगला। लुक के अर्थ दो होते हैं, एक तो होता है दिखना, क्या होता है, एक तो, और एक अर्थ होता है देखना। जब दिखना होगा तो इसके बाद विशेषण आएगा, पक्का गारंटी है, 100% गारंटी, क्या आएगा, विशेषण, ठीक है ना। और अगर मान लो अगर कर्म आ रहा है तो फिर यहां पर एट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे, यहां तो आप कंटिन्यूअस टेंस लगा सकते हो क्योंकि आप अभी किसी चीज को देख रहे हो, फिर कोई चीज देख सकते हो, राइट या रॉन्ग। और आप जैसे दिखते हो वैसे दिखते हो, सुगले दिखते हो तो सुगले, और अगर सुंदर दिखते हो तो सुंदर। ऐसा थोड़ी है कल तो मैं सुगला लग रहा था, आज मैं हैंडसम लग रहा हूं। भाई आदमी जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा कि अगर मैं बोलूं कि हमारा जो ऑपरेटर है, मैं उसकी बारे में बात करता हूं कि कार्तिक लुक्स हैंडसम। अब अगर मैं बोलूं कि यहां लुक्स की बात चल रही है, अब बताओ अगर मैं यहां लुकिंग कर देता, इज लुकिंग, तो चल जाता क्या मामला, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कार्तिक तो दिखता ही ऐसा है, कभी भी देख लो, किसी भी स्थिति में देख लो कैसा दिखेगा, हैंडसम ही दिखेगा, क्योंकि जो है जैसा दिखेगा। और अगर मैं बोलू कि मनीष मंगल, मनीष मंगल इज लुकिंग अनहैंडसम, तो अब यहां क्या है कि मनीष मंगल कैसा लग रहा है, सुगला, और हमेशा ही कैसा लगता है, सुगला। यानी कि यहां आपका ये टेंस क्या है, गलत। और करना क्या है, सही, क्या करना है, इज लुकिंग काट करके आपको क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, लुक्स, क्योंकि जो चीज हमेशा जैसी दिखती है वैसी दिखेगी। क्योंकि देखो हैंडसम और अनहैंडसम ये दोनों शब्द क्या है, क्या है मेरे मुन्ना, एडजेक्टिव है कि नहीं है। अगर मैंने कहा वी आर लुकिंग एट यू, हम तुम्हारी ओर देख रहे हैं, तो अब बताओ इसमें ये सही है क्या, कि सर सही है, क्योंकि आप एट यू लगाए हो, एट यू लगाए हो तो इसका अर्थ अब दिखना नहीं है, अब इसका अर्थ है देखना। और अपन अभी तुम्हारी ओर देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद में तुमसे तुमको देखते देखते मन भर जाएगा, तो अधिकतर देव के लग जाएंगे, फिर हम जचा जौन सी चीज को देख सके, हमारा कोई धड़ो नहीं है। तो इसका मतलब ये टेंस सही है। बोलो कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई, पक्की आ गई, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसके बाद नॉर्मल है ये चीजें। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको शायद और एग्जांपल्स तो करा दिए, टेस्ट वगैरह की करा दी, स्मेल वगैरह की करा दी, यस और नो, और कुछ एक्सरसाइज भी करा दी है ना, बहुत सारी एक्सरसाइज करा दी ना। तो ठीक है, अब अपन के तीन पॉइंट रह रहे हैं, एक साथ मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा लास्ट में। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लो, कौन कौन से पॉइंट एक बार रिपीट कर लो जरा बताओ।
पहले तो बताओ, तुम मेरे को साफ साफ बताओ, कतई एन तरीके से बताओ कि हैव में आई एन जी कब नहीं लगेगा? इज हैविंग, एम हैविंग, आर हैविंग, वाज हैविंग, वर हैविंग, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हैव का अर्थ क्या आ रहा है, रखना। ऐसे थोड़ी है कि मैंने कहा कि यू आर हैविंग ए गुड स्माइल, तेरी मुस्कुराहट अच्छी है, अब थोड़ी देर बाद तो सूख ली थी भाई, जिसकी स्माइल जैसी है वैसी ही रहेगी, तो रखने के अर्थ में वो कभी चेंज नहीं होगी, रखने के अर्थ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इज हैविंग, आर हैविंग, एम हैविंग, कतई निखालस गलत है। खाने पीने लेने और प्राप्त करने की बात हो तो परमानेंट होती नहीं है, अभी कुछ खा रहा हूं थोड़ी देर बाद कुछ भी खा सकता हूं, तो फिर कंटिन्यूअस टेंस सही है। अगली चीज मैंने आपको बताया सी, देखना। देखने के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है खुद देखना और दूसरा होता है जांच करना या मिलना। जांच और मिलने का अर्थ देता है तो फिर तो तुम कंटिन्यूअस धड़ल्ले से लगाओ, लेकिन अगर देखने का अर्थ देता है तो फिर चेंज कर दो, या तो लोकेट कर दो या फिर उसको इंडेफिनेट में रख दो। जैसे मैंने कहा मैं तुमको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू या आई सी यू? आई सी यू है ना, ऐसे। और अगर मैं कहूं कि आई एम सीइंग योर होमवर्क, मैं तुम्हारा गृह कार्य देख रहा हूं, जांच रहा हूं, तो सही है, जांचने का अर्थ आ गया ना, मैं तुम्हारे गृह कार्य में थोड़ी दिखूंगा, क्या करूंगा मैं उसे, जांचूंगा। अगला देखो, अगला है लुक। लुक के कितने अर्थ? दो अर्थ, एक तो है दिखना और एक देखना। मैंने कहा कि यू लुक स्मार्ट और मैं कह दूं यू आर लुकिंग स्मार्ट, सर आपकी नजरों को चक्कर पड़ गया। मैंने कहा क्या, कल तो मैं गंदा लग रहा था आपको? अरे नहीं, तू स्मार्ट ही लगता मेरे भाई, तो आर लुकिंग गलत है, क्या आएगा लुक। और अगर मैंने कहा ओए मेरी तरफ क्यों देख रहा है, तो अभी तू मेरी तरफ देख रहा है, थोड़ी देर बाद कहीं और देखेगा, तो फिर कंटिन्यूअस टेंस सही है। बोलो बात समझ में आ गई, पक्की दिमाग में सेट हो गई, तीनों को लिख लो कॉन्सेप्ट को।